खबरों में बात करते हैं मेरठ की, जहां पर गौरव नाम के एक व्यक्ति ने बरखा नाम की एक लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। गौरव का आरोप है कि कोर्ट मैरिज के बाद लड़की के परिजनों ने लड़की को अपने घर बुला लिया और कहा कि कुछ समय बाद वह उसे रहने के बाद घर वापस भेज देंगे। लेकिन जब वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा, तब ससुराल वालों ने गौरव के साथ बदतमीजी की और वहां से भगा दिया। इसके बाद गौरव एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एसएसपी को अपनी तहरीर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, आपका क्या नाम है? गौरव। गौरव, क्या मामला है आपका? पूरा मामला बताइए। सर, ये मामला है, हम गए, हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी तो वे अपने घर गई थी, उसकी मम्मी ने मिलाया था, राजीनामा हो गया था, तो उसके बाद उसके घर के आदमी ले रहे, नहीं बात करा रहे, और मैं जाता हूँ तो मुझे मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, कोर्ट मैरिज के बाद आपकी घरवाली को उसके घर वालों से रखा हुआ है? हाँ जी। तो कहाँ पर है वो? वो वही है रिठानी में। लड़की फोन कर रही है मुझे ले जाओ, और मैं थाने गया हूँ, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप किस थाने पहुँचे? परतापुर थाने। तो वहाँ पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं है, इन्हों कह रहे किसी एक उनका नंबर दिया है, वे कह रहे मैं कहीं बाहर हूँ, टाइम लगेगा। आपकी घरवाली का नाम क्या है? बरखा। उसकी उम्र कितनी है? 28 साल सर। और आपकी उम्र कितनी? मेरी 21 साल है। कोर्ट मैरिज कितने समय पहले हुई? 3 महीने पहले। देवरिया जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहे एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने मरीज को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। आनंद फानंद में परिजनों ने 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन किया। इस दौरान घंटों बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस बाबत जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने स्वयं एम्बुलेंस चालक से बात कर मरीज को ले जाने की बात कही। जहांगीराबाद में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में आयोजित प्रदेशीय 65वीं माध्यमिक विद्यालय की 4 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डीएम रविंद्र कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर व पहलवानों के साथ हाथ मिलाकर किया। बतौर मुख्य अतिथि यूपी के बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि खेलों को हमेशा खेल की भावनाओं से ही खेलना चाहिए और हार से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 खिलाड़ियों में से एक की ही जीत होती है, इसलिए हारने वालों को आगे की तैयारी करनी चाहिए। आपके द्वारा स्टेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, आप छात्राओं को खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, जैसे कि आपने सुना, हमने बताया कि विनर तो कुछ ही होते हैं, बाकी सब लोग विनर नहीं हो सकते हैं, बट एक बार के विन और लॉस से लोगों को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। और इस बार अगर जो लोग नहीं जीत पाते हैं उनको इस बार के खेल से अपनी कमियों को देखकर उसका निराकरण करना चाहिए, ताकि वो अगले किसी कॉम्पिटिशन में अच्छा करें और जीत कर, यही संदेश। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक सुशील उपाध्याय ने बैंक के शाखा प्रबंधकों की बैठक ली। इसके उपरांत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशन के कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन 22 एवं 23 अक्टूबर को बापू भवन टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद के सभी बैंकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी तथा उनके द्वारा जनता को दी जा रही सेवाएं एवं उत्पाद की जानकारी इस प्रदर्शनी में दी जाएगी। वहीं एक बार फिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। ग्राम किशोनी का शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां पदस्थ 4 शिक्षकों में से केवल एक ही शिक्षक मौजूदा समय पर मिला। शिक्षकों की लापरवाही इतनी रही कि प्रिंसिपल मैडम स्कूल की चाबी साथ लेकर चली गई और स्कूल के छात्र 1 घंटे से बाहर खड़े इंतजार करते रहे। वहीं सरपंच और ग्रामीणों ने पंचनामा बनाकर पत्रकारों के साथ संकुल केंद्र में दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिली, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। सामने खड़े आप किशोनी, आप क्या नाम है? अभी आपने देखा शिक्षक यहाँ पे कितने लेट आए हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। क्या था टाइम सर आए थे जब? 11:25 है ना, 11:25 पे शिक्षक आए हैं और एक शिक्षक पहले आ गए थे। तो क्या डेली ऐसे आते हैं? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ही होता है। एक्शन लिया सर कभी? अरे यहाँ रहते नहीं हम। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हो? आप भी रहते तो ये लेट आते हैं ना?
ग्यारह साढ़े ग्यारह ठीक है थैंक यू। इधर सरपंच बजे आ गए थे आप? साढ़े दस बजे। साढ़े दस बजे सर आपको कितने मीडिया वाले यहाँ पे मिले थे देखने को? हम आए जब तीन लोग। तीन लोग साढ़े दस बजे आ गए थे आपसे साथ ही आए थे लगभग? मैं साथ में आया ना। अभी एक और शिक्षक आया उनका क्या नाम है? अभी राधेश्याम जी पाटीदार। कितने बजे आए सर? पाटीदार वो अभी आए दस बजे। साढ़े ग्यारह बजे। साढ़े ग्यारह बजे आए वो। ग्यारह बीस। आप ना परिचय दें। मेरा नाम मांगीलाल। प्रधान है सर आप? नहीं सरपंच प्रधान ने। कौन सा पद? तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि लेट आते हैं शिक्षक? आप भी बता रहे थे कि वो तो आ जाते टाइम से, लेकिन टाइम से आते हैं पर कभी मैं नहीं आ पाए ना। वो कब आए कब नहीं, मैं दूसरा काम भी रहता है कभी। नहीं आज कितनी बजे आए टीचर? आज आप यहीं पे थे तो? आज तो ये तो आ गए थे टाइम से। हाँ ये कहा गए थे। अभी आए ना अपने सामने। अभी जस्ट अभी क्या टाइम हो रहा? अभी जस्ट टाइम दिखा देते आपको। अभी हो रहा आपको 11:36 हो रही है। अभी 11:35 हो गए वैसे। चलो 20-25 है ना। तो सरपंच साहब आप थोड़ा सा इनको कभी किया कि सर थोड़ा टाइम से आए? नहीं किया तो था, पहले भी मैंने बोला था मैंने कि सर कोई भी अगर जैसे कोई आदमी बाहर से आता है तो अपन थोड़ा जल्दी आ गए उनके हिसाब में अपना स्कूल खोल लिया जब तक वो आ जाए भाई किसी। हमने देखा बच्चे के पुस्तक वगैरह बैग वगैरह बाहर खड़े थे, ताला लगा हुआ था, चाबी भी दूसरे शिक्षक के पास थी। जो शिक्षक यहाँ पहुँचे थे उनके पास चाबी भी नहीं थी है ना। तो बच्चे वापस घर भी चले जाते हैं और ऐसे उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है ना सर। और ये मामला हमें दूसरी बार देखने को मिला है। ऐसा पहले भी हम यहाँ की खबर चला चुके हैं कि ये लापरवाह शिक्षक है, लेकिन आज दिनांक तक इनमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इनको एक बार और मौका दे अपन समझा देते हैं, कह देते हैं, नहीं तो फिर आप जो कुछ आपको करना हो। ठीक है। आपका शुभ नाम सर? यासीन साहब। कौन सा पद है सर आपका? अध्यापक माध्यमिक शिक्षक। अच्छा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सुंदर। ठीक है। बाकी एक शिक्षक और छुट्टी पे है, उनकी जानकारी हम आपसे मोबाइल पे लेंगे। तो आप प्राचार्य महोदय के पास इनकी एप्लीकेशन है मेडिकल की। अच्छा कांता परमार मेडिकल। ठीक है सर, थैंक यू। आप हमारा सहयोग। डीपी महाविद्यालय सहसवान में जियोग्राफी का प्रैक्टिकल कुछ अलग तरीके से होता नजर आया। वैसे तो प्रैक्टिकल आम सभी स्कूलों में होते हैं। जब इस बारे में प्रिंसिपल डॉक्टर पी दास से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने 8-8 बच्चों की टोलियां बनाई हैं, जिससे जियोग्राफी डिपार्टमेंट के अध्यापक डॉक्टर मुकेश राघव द्वारा स्टूडेंट पर फील्ड में सर्वे कराया जाता है। भूगोल के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल देना कंपलसरी होता है। स्टूडेंट को इस तरीके से समझाया जाता है कि उन्हें आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर आपके कॉलेज में सर प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो किस तरीके से प्रैक्टिकल हो रहे हैं और ये कब से कब तक चलेंगे सर? ऐसा है कि प्रैक्टिकल्स जो है वो थ्रू की सेशन करते हैं, उनके टाइम टेबल हिसाब से डेज फिक्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो थ्रू की सेशन करते हैं जल्दी एग्जामिनेशन स्टार्ट। जब तक एग्जाम शुरू ना हो जी तब तक जैसे थ्योरी पढ़ाई जाती है जी उसी तरह से सिलेबस का एक पार्ट जो है प्रैक्टिकल भी है जी। वो हफ्ते में कुछ दिन निश्चित होते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जी, तो उसमें प्रैक्टिकल करते हैं जी। और जब तक एग्जाम शुरू नहीं होते तब तक प्रैक्टिकल करते हैं जी जी। तो प्रैक्टिकल का सर जैसे क्या मार्क्सेज होते हैं, किस तरीका से? ऐसा है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्किंग होता है। यूजली 100 नंबर के मार्क्स होते हैं जी। उसमें जैसे आज आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं तो इसमें हम एजुकेशनल टूल भी ले आते हैं जी। 20 नंबर एजुकेशनल टूल के भी होते हैं जी। कुछ 5 नंबर फायर के भी होते हैं, कुछ 5 नंबर प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ मार्क्स जो है वायवा मौखिक प्रत्यक्ष उसके भी होते हैं। इसमें कुल मना करते हैं टोटल 100 का होता है जी। सर इसमें जो प्रैक्टिकल का जो चार्जेस है इसमें कुछ चार्जेस भी लगता है क्या? नहीं चार्जेस हम लोग अलग से नहीं लेते हैं प्रैक्टिकल के, लेकिन आपसे कोई छुपाव नहीं है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक साल की 350 रुपये फीस लेते हैं जी जी। लेकिन हम बच्चों को ये सुविधा देते हैं कि जैसे अगर किसी ने 2 प्रैक्टिकल लिया है, एक होम साइंस एक ज्योग्राफी, तो भी हम उनसे जो है वो एक ही प्रैक्टिकल की फीस चार्ज करते हैं जी, 2 के नहीं करते जी जी। बाकी जो साइंस साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी अलग से कोई प्रैक्टिकल की फीस नहीं है, उनकी जो टोटल फीस है उसी वो इंक्लूड है। ठीक है ठीक है।